Hello friends, today we'll read 5th chapter of the Moments book for the students of 9th class, and the title is The Happy Prince. And the writer of this lesson of the story is Oscar Wilde. And actually what happens in this story? This story is about a prince, and the prince was always happy when he was alive. After his death, his statue was erected on a pedestal on the outskirts of the city, and now he would watch the miseries of the people. He was able to experience the pain, and he wanted to help them. And we'll read in the story whether he was able to help his kingdom after his death or not. Okay, so let's start. The Happy Prince was a beautiful statue. The Happy Prince was a beautiful statue. Statue, we know, a statue is the replica of a person. Okay, replica means same to same वैसी है, but बोल नहीं सकती, statue है. Okay, so Happy Prince, idol मान लो एक तरीके से. The Happy Prince एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी. He was covered with gold, वह सोने से ढका हुआ था. He had sapphires for his eyes. उसकी आईज के लिए सफायर यूज किए गए थे. एंड अ रूबी इन स्वॉर्ड, और उसकी जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, उसके अंदर रूबी लगा हुआ था. अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ों का यूज हुआ है, एक है सफायर, सफायर और एक है रूबी. आप इनसे अच्छे से जानते हैं, देखो अपने ड्रेसेज होते हैं, सफायर इज ऑफ ब्लू कलर एंड रूबी इज ऑफ रेड कलर. सो दीज आर स्टोन्स, सम प्रीशियस स्टोन्स आर, दीज आर प्रीशियस स्टोन्स. कैसे स्टोन है ये? प्रीशियस है, ठीक है. तो कुछ प्रीशियस होते हैं, कुछ सेमी प्रीशियस होते हैं. तो इस प्रकार से ये स्टोन्स हैं, और इनका यूज़ किया जाता है एज ए रिंग. लोग इनको पहनते हैं और उससे मानते हैं कि इनका इफेक्ट होता है पहनने वाले के लाइफ के ऊपर. ओके, सो हमें इस बात में ज़्यादा नहीं देखना कि क्या इतना इफेक्ट होता है या नहीं होता है. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? तो कहता है कि क्यों वो अपने part with का मतलब होता है अलग होना. ये जो word है part with का मतलब होता है separate. क्या होता है? separate होना, और separate का मतलब होता है अलग होना, separate. आप समझ लेना इसको कि ये सेपरेट है, ठीक है. इसका मतलब है सेपरेट, अलग होना. पार्ट विद मीन्स सेपरेट, अलग होना. द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, तो फिर वो क्यों अलग होना चाहता था, सेपरेट होना चाहता था उस गोल्ड से, और जो उसके पास जो प्रीशियस स्टोन्स थे उनसे क्यों अलग होना चाहता था. हाई अबव द सिटी ऑन इट टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हाई अबाउ द सिटी, सिटी से हाई अल्टीट्यूड के ऊपर एक कॉलम के ऊपर जो है उसकी हैप्पी प्रिंस की स्टैचू खड़ी हुई थी. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और उसके जो बॉडी थी दैट वॉज फुली कवर्ड विद फाइन गोल्ड. फाइन गोल्ड की जो पतली पतली जो थिन लेयर थी उससे वो ढका हुआ था, कवर किया हुआ था अच्छे से. तो गिल्डेड का मतलब होता है वैसे सोना चढ़ा हुआ होता है, यानी कि सोने की जो पर चढ़ा देते हैं, दैट इज़ गिल्डेड. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, उसकी आँखों के लिए दो ब्राइट चमकीले जो सफायर थे वो यूज़ किए गए थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. हिल्ट मीन्स होता है उसका जो केस होता है, जो कवर, जिसको हम बोलते हैं ना कि उसका हत्था जो था उसको बोलते हैं हिल्ट. क्या बोलते हैं? हिल्ट. तो हैंडल मान लो इसको, तो उसका जो हिल्ट था उसके जो स्वॉर्ड थी उसके लिए रूबी यूज़ किया गया था. रूबी ग्लो करता था, वहाँ पर चमकता था, शाइन करता था, और उसकी जो स्वॉर्ड का जो जो हैंडल था उसके लिए उसको यूज़ किया गया था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. स्वेलो इज ए काइंड ऑफ बर्ड, जो आपको यहाँ पर पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है. ये देखो, ये जो बर्ड है इसे बोलते हैं स्वेलो. ये ब्लैक कलर का होता है, और ये जो है अपने यहाँ नहीं पाया जाता, लेकिन ये स्वेलो बर्ड है. और हिज फ्रेंड्स हैड गॉन,
देखो, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक छोटा सा लिटिल जो स्वेलो था वो सिटी के ऊपर से उड़ा, यानी कि रात के समय एक रात वहाँ से गुजरना हो इसका। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, उसके फ्रेंड्स पहले ही 6 वीक्स बिफोर इजिप्ट जा चुके थे लेकिन वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, फिर उसने भी इजिप्ट जाने के लिए डिसाइड किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव एट द सिटी, और वो सारा दिन जो है उड़ता रहा और रात के समय वो सिटी में पहुंचा। वेयर शेल आई पुट अप ही सेड, उसने कहा कि मैं कहाँ रुकूँ। पुट अप मीन्स होता है रिजाइड करना, ठहरना, ठीक है, स्टे करना। पुट अप, ये जो वर्ड है पुट अप, इसका मतलब होता है स्टे करना, ठहरना। वेयर शेल आई पुट अप, मैं कहाँ रुकूँ, ही सेड, उसने कहा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मैं होप करता हूँ, यानी कि स्वेल जो है उसको ये होप होती है कि टाउन ने पहले से ही जो है प्रिपरेशंस कर लिए हैं, यानी कि वो तो सोने वाले हैं लेकिन मैं कहाँ सोऊँ। देन ही सो द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तभी उसे कॉलम के ऊपर, ऊंचे कॉलम के ऊपर जो स्टैचू थी हैप्पी प्रिंस की वो नज़र आती है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मैं यहाँ रुकूँगा, यहाँ ठहरूँगा। इट इज़ ए फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ पर बहुत बढ़िया जो है लोकेशन है, पोजिशन का मतलब लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारी ताज़ा हवा आ रही है। सो ही अलाइटेड, अलाइटेड मीन्स होता है केम डाउन, अलाइटेड मीन्स केम डाउन, इसलिए वो वहाँ पर नीचे आता है, ठीक है, और वहाँ पर केम डाउन, अलाइटेड मीन्स केम डाउन, नीचे आना, अलाइटेड मीन्स केम डाउन। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के जो फीट थे, जो पैर थे, ठीक उनके बीच में वो नीचे उतर जाता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जब स्वेलो ने अपने आसपास में देखा तो उसने कहा कि मेरा जो जो बेडरूम है वो कैसा है, गोल्ड का है, सोने का है। एंड ही एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने सोने की तैयारी कर ली। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जब वो सोने वाला था तो उसी समय जब उसने अपने विंग के नीचे अपने हेड को रखने वाला था तब भी एक पानी की बूंद उस पर गिर जाती है। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है, ही क्राइड, वह चिल्लाया। तो क्यूरियस कौन होता है, रोचक या इंटरेस्टिंग। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग, आसमान साफ है, कोई बादल नहीं है और स्टार्स भी क्लियरली विजिबल है, ब्राइट है, तो और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरती है। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सैड, तभी स्वेलो ने कहा कि इस स्टैचू का यूज़ क्या है जब ये बारिश से बचा नहीं सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे, मुझे कोई बढ़िया सी अच्छी यानी कि दूसरी लोकेशन देखनी पड़ेगी, जैसे कोई अच्छी सी चिमनी या कोई चिमनी पॉट देखना पड़ेगा। और उसने डिटरमाइन का होता है उसे ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, और वहाँ से उड़ने का फैसला किया। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन जैसे उसने अपनी विंग्स को खोला तीसरी बूंद भी उसके ऊपर गिर जाती है। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, और उसने देखा कि आह, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू थे। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके गोल्डन चीक्स के ऊपर आंसू बह रहे थे। दे वर कमिंग डाउन, हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेल वॉज फिल्ड विद पिटी, और उसका जो हैप्पी प्रिंस का जो फेस था वो मून लाइट के अंदर, यानी कि
चंद्रमा की रोशनी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और इससे जो स्वेलो जो था वो उसको पीटी फील होता है, उसके ऊपर दया आती है और वो बोलता है हु आर यू ही सेड। स्वेलो ने कहा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस। स्टैचू से आवाज़ आई कि मैं तो हैप्पी प्रिंस हूँ। व्हाई आर यू वीपिंग देन आस्क द स्वेलो। तो स्वेलो ने पूछा कि फिर रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच होता है किसी को भिगो देना, अच्छे से भिगो देना, तो उसको वेट कर दिया, उन्हें गीला कर दिया। तो उसने कहा कि मैं तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट आंसर्ड द स्टैचू आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर। जब मैं अलाइव था, जिंदा था, जीवित था, और जब मेरा ह्यूमन हार्ट था यानी लोगों की तरह जब दिल था, तो स्टैचू ने आंसर किया कि मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि महल में रहता था जहाँ पर सोरो दुख को आने की अनुमति नहीं है। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। मेरे कोर्टियर्स मुझे हैप्पी यानी कि हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे, और वास्तव में मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। इसी तरीके से मैं जीवित रहा और ऐसे ही मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। और कहता है कि मेरी डेथ के बाद में उन लोगों ने यानी कि मेरे लोगों ने, मेरी प्रजा ने मुझे यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर लगा दिया है मेरी स्टैचू को, कि मैं यहाँ से उनकी सारी जो मिजरी है, मेरे शहर की जो मिजरी का मतलब होता है, उनकी जो क्रिटिकल कंडीशन है, जो पुअर कंडीशन है, और जो अगलीनेस है, अगलीनेस का मतलब जो भद्दापन है, उसको मैं देख सकता हूँ यहाँ से। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। मेरा जो हार्ट है वो लीड का बना है, शीशे का बना है, लेकिन मैं यहाँ पर कहता है कि बट वीप आई कैन नॉट चूज बट वीप, तो इसलिए कहता है कि मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प द पीपल। वट इज ही नॉट सॉलिड गॉड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। एंड स्वेलो वॉज वेरी मच सरप्राइज टू हियर दैट द स्टैचू वॉज स्पीकिंग। सो बोलता है कि क्या वो सॉलिड गोल्ड नहीं है, अपने आप में सोचता है, अपने आप से बात करता है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। वो इतना ज़्यादा पोलाइट था कि उसने कोई पर्सनल रिमार्क्स नहीं किए। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देर इज अ पुअर हाउस। यहाँ से स्टैचू ने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया कि यहाँ से दूर दूर एक छोटी सी लिटिल स्ट्रीट के अंदर वहाँ पर एक बहुत ही पुअर हाउस, पुअर हाउस का मतलब है एक बहुत ही खस्ता हालत में मकान है वहाँ पर, और वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल। और इसकी एक विंडोज जो है खुली हुई है, और इसमें मैं देख सकता हूँ कि एक जो वुमेन है, जो अ वुमेन जो महिला है, वो टेबल के पास में बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉन एंड शी हैज कोज रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस। उसका फेस थिन है, वॉन का मतलब होता है नाउ द फेस हैज लॉस्ट इट्स चार्म एंड ग्लो एंड हर हैंड्स आर कोर्स। कोर्स मीन्स हर हैंड्स आर नॉट स्मूथ एंड दोज हैंड्स वर प्रिक्ड बाय द नीडल फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस मीन्स जो होती है लेडी, लेडी जो टेलर होती है उसे बोलते हैं सीमस्ट्रेस। शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। और वो कहता है कि जो रानी है इस स्टेट की या इस किंगडम की, उसकी किसी नौकरानियों के लिए वो कोर्ट बॉल में, कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर जो बॉल, बॉल मीन्स डांस, जो डांस के लिए, डांस में पहनने के लिए जो ड्रेस है उसमें सेटिन गाउन
उस पे जो है एम्ब्रॉयडरी कर रही है, एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और रूम के कॉर्नर में बिस्तर पर उसका लड़का, बीमार लड़का लेटा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसे फीवर है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन उसकी मदर के पास में नदी के पानी के अलावा उसे देने के लिए कुछ नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, लिटिल स्वेलो क्या तुम जो मेरी स्वॉर्ड का जो हिल्ट है उसमें से रूबी निकाल करके उसे नहीं दे के आओगे। माई फीट आर फास्ट टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, जो मेरे फीट हैं वो इस कॉलम से अच्छे से जकड़े हुए हैं और इसलिए मैं जो है मूव नहीं कर सकता। दैट्स वाई द हैप्पी प्रिंस वॉन्टेड द स्वेलो बर्ड टू टेक दैट टू कैरी दैट रूबी टू द हाउस ऑफ दैट पुअर सीमस्ट्रेस। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मेरे को इजिप्ट में जाना है, मेरा वहाँ पर इंतजार हो रहा है। My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं और वहाँ पर जो लार्ज बड़े बड़े जो लोटस फ्लावर्स हैं उनसे बातें कर रहे हैं। Soon they will go to sleep, और बहुत जल्दी वो सो जाने जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि वो एक रात उसके पास में रुके और उसका मैसेंजर बन जाए। द बॉय इज़ सो थ्रस्टी, जो बॉय हो बहुत ज़्यादा थ्रस्टी है। एंड द मदर सो सैड, ही सैड आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। द हैप्पी प्रिंस चाहता था कि जो स्वेलो है वो सिमस्ट्रेस के घर जाए और बच्चा जो बीमार था उसकी मदद करे, लेकिन स्वेलो ने कहा कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन बॉयज एंड दैट्स व्हाई एंड आई वांट टू गो टू इजिप्ट। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सैड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन हैप्पी प्रिंस का जो सैड फेस देख करके जो लिटिल स्वेलो था उसे काफ़ी दुख हुआ और उसने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ में एक रात के लिए मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि वट एवर द हैप्पी प्रिंस वॉन्टेड हिम टू डू ही वॉज रेडी टू कैरी आउट दैट। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि थैंक यू लिटिल स्वेलो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, और स्वेलो ने क्या किया उसकी जो प्रिंस की जो स्वॉर्ड थी उसमें से रूबी को बाहर निकाल लिया। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, बीक का मतलब यहाँ पर चोंच से है, देखो ये है बीक, बीक का मतलब होता है ब्लीक यानी कि चोंच, ये बीक हमने चौंच होती है, और वो जो टाउन की जो रूप्स थी उसके ऊपर से उड़ पड़ा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल का मतलब होता है यहाँ पर चर्च से, वो चर्च का जो टावर था उसके पास से उड़ा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर्ड मीन्स दोज वर इन स्टैचू फॉर्म, दोज वर इन स्टेचू फॉर्म। तो वो वहाँ पर जो चर्च का जो टावर था उसके पास से जो है वो उड़ा, जहाँ पर वाइट सफ़ेद रंग के संगमरमर से वहाँ पर एंजल्स की, देवदूतों की, द मैसेंजर ऑफ गॉड हैं उनकी मूर्तियाँ बनी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के बिल्कुल पास से उड़ा गुजरा। एंड हर्ड द साउंड्स ऑफ डांसिंग, और वहाँ पर डांस करने की जो आवाज़ें थी उसको उसने सुना। अ ब्यूटीफुल गर्ल
A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक बहुत ही सुंदर जो लड़की थी वो वहाँ बालकनी में अपने लवर के साथ में आती है. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल शी सेड. आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी. और वो कहते हैं कि मैंने स्टेट बॉल के लिए, स्टेट बॉल का मतलब जो स्टेट लेवल पर जो बॉल है यानी कि जो डांस है उसके लिए मैंने अपनी जो ड्रेस दी हुई है वो होप करती हूँ कि सही टाइम के ऊपर रेडी हो जाएगी. उसने कहा कि मैंने इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं उसको एम्ब्रॉयडर करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन जो सीम स्ट्रेसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी होती हैं. लेजी का होता है लथार्जिक या आलसी. ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन. आखिरकार वो जो है नदी के ऊपर से वो उड़ा और उसने वहाँ पर लैंटर्न्स जो लालटेन थी वहाँ पर जो शिप का जो बूम है उसके ऊपर उसने लटके हुए देखा लालटेन को. मास्ट क्या होता है? और वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ वुड ऑन ए पर्टिकुलर शिप दैट इज नोन एज मास्ट. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन. आखिरकार वो उस गरीब महिला के घर में आया और अंदर उसने देखा. द बॉय वॉज टॉसिंग फीवर्सली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप शी वॉज सो टायर्ड. जो बॉय था उसका जो लड़का था उस पुअर वुमेन का वो बेचारा बुखार के कारण जो है बेड के ऊपर करवटें बदल रहा था. यहाँ पर जो टॉसिंग वर्ड है टॉसिंग का मतलब होता है टर्निंग, टर्निंग ओवर. ठीक है, वो टर्न कर रहा था बार बार टॉस कर रहा था. और उसकी जो मदर सोई हुई थी उसे नींद आ गई थी क्योंकि वो थकी हुई थी. इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. और उसने वहीं पर टेबल के पास में ग्रेट रूबी को रख दिया स्वेलो ने. जो वुमेन के जो थिम्बल, थिम्बल क्या होता है? एक्चुअली थिम्बल इज ए मेटल, मेटल रिंग लाइक मेटल, रिंग लाइक मेटल दैट इज वोन बाई टेलर्स टू प्रोटेक्ट द फिंगर फ्रॉम द प्रिक ऑफ नीडल्स. तो नीडल्स की जो चुभन है जो प्रिक है कहीं नीडल उनको चुभ ना जाए तो नीडल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेलर्स होते हैं वो अपने यानी कि अपनी उंगली में पहनते हैं एक मेटल की कवरिंग होती है दैट इज नोन एज थिम्बल. उसे थिम्बल कहते हैं. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wing. फिर वो कमरे में चारों तरफ उड़ा और उसने बच्चे का जो forehead था, जो माथा था उसके ऊपर उसने फैन किया अपने पंखों से, wings थे. And how cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. तो slumber का मतलब यहाँ पर होता है deep sleep, गहरी नींद. और इसके बाद में उसने बच्चे ने कहा कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं जल्दी ठीक होने वाला हूँ. और फिर वो बहुत ही प्यारी गहरी नींद के अंदर सो गया. देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन. इट इज़ क्यूरियस सी रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. जो उसके बाद जो स्वेलो जो है वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस रिटर्न होता है. और उसके बाद में उसने बताया उसने क्या किया. तो उसने टिप्पणी की, रिमार्क किया कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अब मुझे कहता है कि काफ़ी गर्मी भी लग रही है, हालांकि कोल्ड है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रही है. और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जो स्वेलो जो है बर्ड, वो कह रहा है इस बात को. ठीक है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन. ये इसलिए है जब उसकी गर्मी का जो कारण है वो बताता है तो हैप्पी प्रिंस बताता है उसे स्वेलो को कि तुमने एक अच्छा काम किया है इस वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी आई है. सेड द प्रिंस एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप. इसके बाद लिटिल स्वेलो ने सोचना स्टार्ट कर दिया और फिर वो सो जाता है. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी क्योंकि उसे हमेशा सोचने से नींद आती थी. व्हेन डे ब्रोक द ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ. जब सुबह हो गई तो वो उड़ करके नदी के पास में गया और वहाँ पर उसने स्नान किया
Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits. आज रात कदा कि मैं वहाँ पर इजिप्ट में जाऊँगा, स्वेलो ने कहा, और वो काफ़ी खुश था उस समय. ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट, और उस विचार के ऊपर, प्रोस्पेक्ट के ऊपर. प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है थॉट. उस प्लानिंग के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था. ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. और उसने क्या किया, ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. वो उसने जो सभी जो मोन्यूमेंट्स थी वहाँ पर, जो टूम्स थी, उनको क्या किया, उसने विजिट किया. जो मज़ार थी वहाँ पर उनको विजिट किया. एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. और जो वहाँ पर चर्च स्टीपल, चर्च स्टीपल का मतलब जो हाईएस्ट जो टावर था चर्च का, उसके टॉप के ऊपर वो काफ़ी देर तक बैठा रहा. व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जब वहाँ पर जो मून है अपीयर हुआ स्काई के अंदर, तो हैप्पी प्रिंस के पास में उड़ कर गया. हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग. तो स्वेलो ने कहा कि क्या कोई इजिप्ट के लिए कोई काम है, कोई संदेशा है. और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. तो प्रिंस ने कहा कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात रुकोगे. आई एम अवेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो. लेकिन स्वेलो ने जवाब दिया कि मेरी इजिप्ट के अंदर वेट किया जा रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट. गैरेट द गैरेट होता है. सो यहाँ पर जो वर्ड है गैरेट, गैरेट का होता है स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस इज नोन एज गैरेट. तो कहता है कि मुझे घर की बिल्कुल मकान के जो ऊपर डार्क रूम में, वहाँ पर जो हायर टॉप ऑफ द हाउस है, वहाँ पर एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है. उस हैप्पी प्रिंस ने कहा, ही इज लीनिंग, लीनिंग का होता है बेंडिंग. ही इज बेंडिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर, जो पेपर से ढकी हुई जो कवर, जो डेस्क, उस पर वो झुका हुआ है. एंड इन द ग्लास बाय साइड देर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स. विदर्ड मीन्स होता ड्राई. और वहाँ पर उसके पास में बगल में टेबल के ऊपर कुछ मुरझाए हुए वॉयलेट्स के फ्लावर्स हैं, फूल हैं. हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो हेयर ब्राउन है और क्रिस्प हैं. जो उसके जो बाल थे वो, हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल थे वो क्रिस्प थे. क्रिस्प का मतलब स्टिफ थे एंड कर्ली थे. और एंड इज, इसको डिलीट कर देते हैं. एंड इज लिप्स आर रेड एज ए पोमग्रेनेट, और अनार की तरह उसके लिप्स जो थे वो रेड थे. एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी बड़ी बड़ी और ड्रीमी आइज थी. ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट ही इज टू कॉल्ड टू राइट एनी मोर. And the young man was not able to write anything just because of that cold weather. There is no fire in the grate. Grate का होता है oven. Oven के अंदर कोई hearth भी कह सकते हैं, HEARTH. और वहाँ पर जो सिगड़ी थी उसके अंदर कोई फायर नहीं थी, आग नहीं थी. And hunger has made him faint. Faint का मतलब होता है exhausted, टायर्ड भी कह सकते हैं. और भूख के कारण, वो हंगर के कारण क्या हो गया था, फेंट हो गया था, एग्जॉस्ट हो गया था. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा कि मैं तुम्हारे पास एक रात और रुकूंगा, वेट करूंगा. हु रियली हैड ए गुड हार्ट, और जिसका दिल बहुत अच्छा था. किसका दिल अच्छा था, स्वेलो का. ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट. उसने पूछा कि क्या उसे दूसरा रूबी जो है यंग प्लेराइट के पास में ले जाना चाहिए. यंग प्लेराइट का मतलब अ मैन हु राइट्स नॉ ड्रामा प्लेज इज नॉन एज प्लेराइट.
अलास आई हैव नो रूबी नाउ सैड द प्रिंस। लेकिन प्रिंस ने दुखी होते हुए कहा कि अलास मेरे पास में कोई रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स विच वर which were brought out of India 1000 years ago। लेकिन कहा कि जो मेरी आइज हैं उसमें जो बहुत ही रेयर जो सफ़ायर वो यूज़ किए गए हैं जो कि हज़ारों वर्ष पहले इंडिया से लाए गए थे। ही ऑर्डर्ड द स्वेलर टू प्लक आउट वन ऑफ देम और उसने स्वेलर को ऑर्डर दिया कि उनमें से वो एक को निकाल ले एंड टेक इट टू द प्ले राइट और वो उसे जो यंग राइटर है उसके पास लेके जाए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायर वुड एंड फिनिश इज प्ले ही सेड। उसने कहा कि वो उसे जो है ज्वेलर के पास में वो लेके जाएगा गोल्ड स्मिथ के पास में से बेच देगा और उसे कुछ फायर वुड खरीदेगा और अपने प्ले को फिनिश करेगा। डियर प्रिंस सेड द ज्वेलर आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू बी डियर प्रिंस। लेकिन स्वेलो ने कहा कि डियर प्रिंस मैं नहीं कर सकता ऐसा और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। कहता है कि लिटिल स्वेलो तुम करो जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसा ही करो। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई। इसलिए स्वेलो ने प्रिंस की आंख से जो है एक सफायर को निकाल लिया एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेज और उस यंग मैन का जो गैरेज था वहाँ पर उड़ पड़ा। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन और वहाँ पर एंटर करना बहुत आसान था। एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ क्योंकि छत में एक होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम और इस होल में से उसने एंटर किया और उसी तक कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड so he did not hear the flutter of the bird's wings और उस यंग मैन ने अपने सिर को अपने हाथों में दबाया हुआ था इसलिए उसने बर्ड्स के विंग्स की फ्लटर को फड़फड़ाहट को नहीं सुना। एंड वैन ही लुकड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स और जब उसने ऊपर देखा तो उसने बहुत ही ब्यूटिफुल सफायर को उन मुरझाए हुए वायलेट्स के जो फ्लावर थे उनके पास में रखा हुआ पाया। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेकंड वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ टॉक टू मी थ्रू व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी अप एंड यू नो माई नंबर वेरी वेल। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And I also want you to give your suggestions, feedback in the comment box so that I can improve the quality or explanation, okay, as per your level. So please let me know about that. Thank you. Have a nice day.